नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लखनऊ में बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुरानिया चौराहे पर फायरिंग और हत्या की कोशिश की गई है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है विनय राय, जिनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिसकी वजह से गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस पूरी फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आसपास जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उसे खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये फायरिंग किसने की है, किस वजह से कराई गई है, क्या कोई पुरानी रंजिश है। हर एंगल को जांचने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग हुई, फायरिंग से हड़कंप मच गया, पुरानिया चौराहे पर ये फायरिंग हुई है, और बताया ये भी जा रहा है कि हत्या की कोशिश हुई है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विनय राय की ये गाड़ी बताई जा रही है, जिस पर फायरिंग हुई है। फायरिंग की वजह से गाड़ी के शीशे भी पूरी तरह से टूट गए हैं। फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। देर रात ये फायरिंग हुई है, तो लखनऊ का पुरानिया चौराहा, जहां पर फायरिंग और हत्या की कोशिश की गई है, बीजेपी नेता की गाड़ी बताई जा रही है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं विनय राय, जिनकी गाड़ी पर यह हमला हुआ है। हालांकि इस हमले में विनय राय बाल बाल बच गए हैं, लेकिन फायरिंग से दहशत का माहौल जरूर दिखाई दे रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दानिश, लखनऊ में एक बीजेपी नेता पर हमला हो जाता है, फायरिंग होती है, क्या कुछ अपडेट है पहले इस पूरे मामले में बताइए। दानिश, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, तो दानिश से दोबारा संपर्क करूंगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिसकी वजह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, गाड़ी के शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। क्यों ये हमला हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस लगातार इस पूरे मामले में छानबीन में जुटी हुई है। पुरानिया चौराहे का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। आसपास जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है, और जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले में बदमाशों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। तो लखनऊ की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दानिश से भी संपर्क करने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है, दानिश से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी नेता की एक गाड़ी और जिसके ऊपर फायरिंग हुई है, फायरिंग में हड़कंप मच गया। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि इस पूरे हमले में जो बीजेपी नेता हैं, वो बाल बाल बच गए हैं। पुरानिया चौराहे पर यह फायरिंग की गई है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हत्या की फिराक में बदमाश यहाँ पहुंचे थे, फायरिंग की, मौके से फरार हो गए। तो फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो लखनऊ का ये पूरा मामला है, जहां पर बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग हुई है, और जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है, डर का माहौल बना हुआ है। लखनऊ में ही जो बीजेपी नेता हैं, वो सुरक्षित नहीं है। और मेरे सहयोगी दानिश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। दानिश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में, क्या उन बदमाशों की पहचान हो पाई है जिन्होंने फायरिंग की है, और फायरिंग करने के पीछे उद्देश्य क्या था, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि पूरी तरह से हत्या की कोशिश में ही आए थे। हाँ देखिए, बिल्कुल, बीजेपी के जो नेता है विनय राय ने ये सूचना नहीं किसी 112 नंबर पर या संबंधित थाने पर नहीं दी है। उन्होंने इस वीडियो को सोशल साइट पर लगा करके ये सूचना दी थी सोशल साइट पर कि मेरी गाड़ी पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है। हालांकि जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो ये बात साफ आई है कि 112 पर जो है किसी ने सूचना नहीं दी थी, और ना ही संबंधित थाने पर कोई सूचना दी गई, जिससे कहीं ना कहीं मामला अभी संदिग्ध लग रहा है। और लखनऊ पुलिस का ये कहना है कि हमलावरों ने जो फायरिंग की है, उसका कहीं भी अब तक सोशल साइट पर वीडियो नहीं, इन्होंने केवल सोशल साइट पर वीडियो डाला। अगर फायरिंग की गई थी तो उन्होंने 112 पर कॉल क्यों नहीं की, और थाने में सूचना क्यों नहीं की गई, इसको लेकर के पुलिस कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया संदिग्ध मान के चल रही है। अभी मामला पूरा साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। बिल्कुल, देखिए मामला साफ नहीं हो पाया, पुलिस
फर्स्ट एंगल से जांच करके ये दिखाने की कोशिश कर रही है, या पुलिस इसको कह सकते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब तक ये बात जो सामने आई है कि हम विनय राय की गाड़ी पर जो लोगों ने हमला किया अज्ञात हमलों ने, इनका ये कहना था कि मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जिसका एक वीडियो उन्होंने सोशल साइट पर डाल दिया, लेकिन उसमें ना तो फायरिंग करने वाले हमलावर दिख रहे हैं बल्कि इनकी गाड़ी केवल छत्रीगत दिख रही है। पुलिस का ये कहना है कि ना तो इन्होंने 112 पर कोई सूचना दी आपातकालीन स्थिति में और ना ही संबंधित थाने पर कोई। चलिए ठीक है दानिश, आप इसको लेके कहीं ना कहीं पुलिस इसको संदेह देते रहेगा, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। तो लखनऊ का ही पूरा मामला है, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो डाला गया है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अगर जैसे ही शिकायत दर्ज कराती है तो पूरी तरह से एक्शन इस पूरे मामले में लिया जाएगा। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र अब विकास की नई रफ्तार छूने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर चुके हैं, साथ ही एक प्रदर्शनी का भी निरीक्षण उन्होंने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए कहा कि यूपी की तस्वीर लगातार बदल रही है। एक्सप्रेसवे से वाहनों को ही गति नहीं देगा बल्कि पूरे औद्योगिक गति को रफ्तार मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी सोच को छोड़कर हम नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2017 के बाद कनेक्टिविटी के लिए बेहतर काम शुरू हुए हैं। 7वां एक्सप्रेसवे है, बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों की कनेक्टिविटी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इससे पहले सीएम योगी ने कहा कि बुंदेलखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है, एक्सप्रेसवे यूपी और बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को नया आयाम प्रदान करेगा। पूरी दुनिया 28 महीने से कोरोना की मार झेल रही थी, लेकिन इसी बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण रिकॉर्ड समय में किया गया। रिकॉर्ड समय और अनुमानित लागत से कम खर्च में बने इस एक्सप्रेसवे से न सिर्फ बुंदेलखंड के लोगों को देश की राजधानी दिल्ली पहुंचने में सहूलियत होगी बल्कि औद्योगिक विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से प्रदेश के चहुंमुखी विकास में अभूतपूर्व भूमिका निभाने जा रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज किया जाएगा। तो नया बुंदेलखंड है, नई तैयारियां हमें दिखाई है और बेहतरीन तरीके से आज इसका उद्घाटन हुआ है। ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन ये माना जा रहा है। तो एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है वो जरा फटाफट मैं आपको बता देती हूं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वन में जाने से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, अजौलान के लोगों के लिए दिल्ली का सफर आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर 250 से ज्यादा छोटे पुल हैं, 15 से ज्यादा फ्लाईओवर हैं, 6 टोल प्लाजा हैं और 12 से ज्यादा बड़े पुल और 4 रेल पुल बनाए गए हैं। 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग, एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर है। 4 लेन चौड़े बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ अतिरिक्त जमीन भी है, जिससे भविष्य में अगर गाड़ियों की आवाजाही बढ़े तो इसको चौड़ा कर 6 लेन तक बढ़ाया जा सके। अभी तक चित्रकूट से दिल्ली पहुंचने में लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, जिसमें करीब 12 से 14 घंटे का समय लगता था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद ये दूरी सिर्फ 630 किलोमीटर ही रह गई है और समय भी बचेगा। दावा तो यह किया जा रहा है कि सफर की दूरी घटने से एक्सप्रेसवे के रास्ते चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर केवल 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर लोगों की सहूलियत के लिए 4 जन सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 पेट्रोल पंप भी बनाए गए हैं। तो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुंदेलखंड को दी है। चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बस्ती जिले के कलवारी थाना में पुलिस पर पीड़ित को थर्ड डिग्री देने का आरोप लगा है। जमीनी विवाद में पीड़ित को थाने में बुलाया गया और अभद्रता किस हद तक की गई है ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बताया जा रहा है कि पहले उसके कपड़े उतरवाए गए हैं और लात घूसों से उसकी पिटाई की गई है। इसके अलावा पीड़ित घनश्याम ने थाने के सिपाही आनंद कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आईजी से शिकायत की है। मामला कलवारी थाना क्षेत्र के सैफाबाद गांव का है, जहां घनश्याम यादव नाम के एक शख्स को जमीन के मामूली विवाद में थाने पर बुलाया गया, थर्ड डिग्री का टॉर्चर किया गया। पीड़ित घनश्याम का आरोप है कि उसका विरोधी भगवान दास कलवारी थाने के थानेदार, वीर सिपाही, दारोगा और कांस्टेबल को अपनी साजिश में मिलाकर उसे थाने पर बुलवाता है और अभद्रता करते हुए उसके साथ मारपीट की गई है। इतना ही नहीं, आरोप है कि कांस्टेबल आनंद कुमार ने जमीन पर थूक कर उसे चाटने को कहा और मजबूरी में मार खाने से बचने के लिए सिपाही का थूक उसे चाटना पड़ा है, ऐसे आरोप वो लगा रहा है। इसके अलावा दबंग सिपाही ने उसके कपड़े उतरवाए और उसको बुरी तरह से
मारा पीटा है, उसको बिठाए रखा। कांस्टेबल आनंद ने उसे लात घूसों से बुरी तरह से पीटा है, अधमरा कर दिया और धमकी भी दी है कि भगवान दास का विरोध करने पर इतने मुकदमे दर्ज कर देंगे कि जिंदगी जेल में बीतेगी। बस्ती का ही पूरा मामला है। सर, हमारे जमीनी विवाद चल रहा है बहुत, मतलब पहले से उनका जो है मतलब वहाँ है नहीं, कागज़ सब हमारे हैं, हमने जो है मतलब मुकदमा भी किया है। तो ये जो है हमको बुलाए कहे कि ले करके आइए, आप अपना कागज़ दिखाइए थाने पर। तो हम सर वहाँ से जब आए थाने पर कागज़ दिए, थाना जब देखे कागज़ वगैरह देख करके कहे ठीक है, तो कह रहे हैं उसका रजिस्ट्री हुआ है, उसको क्यों नहीं बनवाने दे रहे हो। उनका सर जहाँ उसका रजिस्ट्री है वहाँ वो अपना बनवावे, हमको उससे कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये जो है मतलब हमको कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ वो तुम्हारा घर है उसी घर के सामने तुम्हारे उसका घर बनेगा, अगर इसमें करोगे तो तुमको बंद कर देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी पारस नाथ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पारस, पुलिस का इतना अमानवीय चेहरा आखिर क्यों? ये कलवारी थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ पर पीड़ित ने अपनी जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए थाने पर उसको बुलाया गया था। इसको लेकर के पुलिस ने जो अमानवीय किया है, ये पूरे क्षेत्र में जो है इसकी निंदा हो रही है। पूरे क्षेत्र को लोग जो भी इस मामले को सुन रहा है वो निंदा कर रहा है, लेकिन पुलिस जो है सिर्फ ये आरोपी का ये कहना है कि सिर्फ पैसे की बदौलत ही ये काम हो रहा है, यहाँ जो भी काम हो रहा है वो पैसे की बदौलत, पहले पैसे के लालच में ही सिपाही ने इस तरह से मेरे साथ इशरत किया है, जो बहुत ही घिनौना काम है। बिल्कुल पारस, तो पूरे मामले में अपडेट क्या है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि पीड़ित ने IG से शिकायत की है, क्या कोई आश्वासन मिला है? इन्होंने IG को शिकायत किया, IG ने पुलिस अधीक्षक को फॉरवर्ड कर दिया है, पुलिस अधीक्षक ने जांच कमेटी बनाई है, जांच कमेटी करा करके जांच कराई, पुलिस अधीक्षक ने ये कहा है कि इसको हम जांच करवा रहे हैं, जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और जो आरोप लग रहे हैं पुलिस पर कि पहले उसके कपड़े उतरवाए गए हैं, फिर उसके बाद थर्ड टॉर्चर दिया गया है, उसके साथ जमकर मारपिटाई की गई है, अकबरी हालत में उसे छोड़ा गया है, इसको लेकर क्या कोई मेडिकल कराया गया? जी, पुलिस की तरफ से तो अभी तक कोई मेडिकल नहीं कराया गया, अभी सिर्फ जांच, पुलिस जो है सिर्फ जांच टीम बैठा दी है, जांच टीम जांच कर रही है। वैसे अभी आज तक मामला परसों का है, लेकिन आज तक जांच टीम घटना यानी लीपापोती करने की कोशिश हो रही है इस पूरे मामले में। जी, पूरे मामले में सिर्फ लीपापोती करने की कोशिश की जा रही थी। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। तो बस्ती का एक पूरा मामला है जहां पर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, हालांकि आश्वासन जरूर दिया गया, लेकिन एक्शन कब लिया जाएगा ये देखना होगा। सितारगंज में हरेला पर्व के मौके पर तहसील कार्यालय में पौधारोपण अभियान चलाकर विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए हैं। इस दौरान उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने कार्यक्रम में वृक्षों को संरक्षण कर पृथ्वी को स्वच्छ और हरा भरा रखने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और मानव का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मनुष्य को भोजन, हवा, पानी और अन्य जरूरतों के लिए पर्यावरण पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने और उनका संरक्षण किए जाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने अधिक पेड़ लगेंगे उतनी ही धरती हरी भरी होगी और उतनी ही बीमारियां दूर होंगी और हमारा जीवन खुशहाल होगा। साथ ही नगर में अन्य सरकारी कार्यालयों से सामाजिक संस्थाओं ने भी नगर में पौधारोपण किया। तो हरेला पर्व धूमधाम के साथ पूरे क्षेत्र में मनाया जा रहा है और जगह जगह पौधारोपण किया जा रहा है। पर की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हमने तहसील परिसर में और यहाँ जिलाधिकारी आवास परिसर में जो है पौधे लगाए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ सभी लोग सिर्फ पौधे लगाने तक ही इस पर्व को सीमित न रखें, पूरे वर्ष इन पौधों की देखभाल करें, जिससे कि इस पर्व की जो सार्थकता है वो सही मायने में सिद्ध हो सके। ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं दीपक। हरेला पर्व धूमधाम के साथ आज पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, हरेला पर्व का महत्व कितना है, क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में आज जो है हरेला पर्व जो है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है।
और यहाँ जो है सब लोग इकट्ठे होते हैं और इतवार को जो हरियाली शांति समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक रूप मनाते हैं। हरेला का मतलब है हरे रंग का दिन। साथ ही भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने के लिए श्रावण मास के महीने में मनाया जाता है। प्रदेश भर के लोग विशेष रूप से कुमायूं के लोग हरियाली को समृद्धि से जोड़ने के लिए त्योहार मनाते हैं। बिल्कुल, और ये भी बताया जाता है कि हरेला पर्व के दिन खूब धूमधाम के साथ जो महिलाएं हैं वो सज संवरकर गीत गाती हैं, लोकगीत जो वहाँ के पूरे प्रसिद्ध हैं। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, हरेला पर्व जो है बहुत बड़ी धूमधाम के साथ जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है, जगह जगह मनाते हैं इसको। जो ये हरेला जो त्योहार है, हरेला त्योहार के 9 दिन पहले ही 5 से 7 तरह के बीजों की बुआई की जाती है। इसमें मक्का, गेहूं, उड़द, सरसों और शामिल होते हैं। इसे किसी तरह की छोटी टोकरी या बर्तन में बोया जाता है। 9 दिन तक इसका खास ध्यान रखा जाता है। 8वें दिन इसकी गुड़ाई कर इसे कलापे में बांधा जाता है, जिसके 9 दिन से इसे आसानी से काटा जा सके। इसी को हरेला पर्व कहा जाता है। और प्रशासन भी पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। हम देख रहे हैं सितारगंज में जो बड़े अधिकारी हैं वो पौधारोपण कर रहे हैं। दीपक चलिए ठीक है, दीपक शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये हरेला पर्व की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन जो है वो भी पूरी तरह से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहा है। हरेला पर्व उत्तराखंड में बहुत सालों से मनाया जाता है। इस दिन पौधे रोपित किए जाते हैं, पर्यावरण को पूरी तरह से ये दिन समर्पित होता है। पेयजल की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने जल संस्थान ऑफिस में जल संस्था विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जल संस्थान कार्यालय में भी तालेबंदी की और बीते 5 दिनों से कर्णप्रयाग नगर में पानी की आपूर्ति ठप पड़ी है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जल संस्थान के द्वारा टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, मगर लोगों का कहना है कि जो टैंकरों के जरिए पानी दिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा गंदा है, उससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर लोगों ने कहा कि अगर पानी नहीं आता है तो वो नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर देंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो कर्णप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पेयजल की किल्लत से यहां पर हजारों लोग जूझ रहे हैं। पेयजल की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने जल संस्थान ऑफिस में जल संस्था विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है और साथ ही साथ तालाबंदी कर दी, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनका कहना है कि 5 दिन हो गए हैं, पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप है, जिसकी वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल संस्थान के द्वारा टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, उनका ये भी कहना है, लेकिन जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, उसे पीकर लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं। जल संस्थान कार्यालय में लोग पहुंचे हैं, उनका कहना है कि अगर पानी की बहाली जल्द से जल्द नहीं की जाती तो नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करेंगे और जमकर नारेबाजी करेंगे और धरना भी दे सकते हैं। तो पेयजल की किल्लत लगातार लोगों के साथ बनी हुई है और कई गांव इससे जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। पीने का पानी भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जो टैंकर्स दिए जा रहे हैं वो जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जल संस्थान ऑफिस में वो गए हैं, जल संस्थान विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, कार्यालय पर तालाबंदी भी कर दी, क्योंकि पिछले 5 दिनों से वो पीने के पानी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कहना है कि आपूर्ति पूरी तरह से ठप है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। बार बार वो शिकायत कर चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एक्शन के तौर पर टैंकर्स भेजे जाते हैं, टैंकर में पीने का पानी नहीं होता, अगर कोई उसे पीता है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो गंदा पानी पीने से लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। जल संस्थान कार्यालय में लोग पहुंचे और कहा कि पानी की बहाली नहीं होगी तो हम इसी तरह से तालाबंदी रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और जल संस्थान की मनमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कर्णप्रयाग की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, कई गांव ऐसे हैं जो इससे जूझते हुए नजर आ रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग हैं, रोज इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें और कई बार कई किलोमीटर दूर जाकर पानी महिलाएं लाती हुई नजर आ जाती हैं। पहले भी इस बात की शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है।
जल संस्था की तरफ से लगातार कह दिया जाता है कि टैंकरों की सप्लाई हो रही है, लेकिन टैंकर से पानी साफ नहीं आता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।